लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट एक्शन डज द गवर्नमेंट टेक टू इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली. मीन्स वो कौन से एक्शन है, वो कौन से स्टेप है जो गवर्नमेंट लेती है जिसकी वजह से सभी लोगों के साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया जाए. द एक्शन दैट द गवर्नमेंट टेक्स टू इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली आर बैनिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, रीजन एक्सेट्रा. मीन्स जो भी डिस्क्रिमिनेशन जो लोग फेस करते हैं कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, उसको क्या कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने टोटली बैन कर दिया गया है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. अगर सेकेंड पॉइंट है मेकिंग स्पेशल प्रोविजन्स फॉर अंडर प्रिविलेज पीपल. मीन्स जो अंडर प्रिविलेज पीपल होते हैं, या इट मीन्स जो जिनको प्रॉपर रिसोर्स नहीं मिल पाते हैं, फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, जो समाज के जो वंचित लोग हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन्स लेके आती हैं. थर्ड वन इज मेकिंग अवेलेबल द बेसिस रिक्वायरमेंट फॉर ऑल. और ये भी कोशिश करती है कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक अवेलेबल्स हैं, वो सारे लोगों को मिल सके. यानी कि इट मीन्स जो बेसिक थिंग्स हैं वो सभी लोगों को इजीली अवेलेबल हो सके, इस बात को भी इंश्योर करती है. फोर्थ वन इज टेकिंग पिक्यूनरी एक्शन व्हेन द लॉ इज नॉट प्रॉपरली फॉलोड. और क्या करती है, पिक्यूनरी एक्शन टेक लेती है. पिक्यूनरी मतलब क्या होता है, जो फाइनेंशियल जो मैटर होते हैं, फाइनेंशियल जो एक्शन होते हैं, उनको भी गवर्नमेंट लेती है जब भी जब अगर लॉज को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा हो, या जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, तो ऐसे पिक्यूनरी एक्शन गवर्नमेंट टेक द पिक्यूनरी एक्शन. एक फाइनेंशियल जो एक्शन होती है गवर्नमेंट उनको लेती है. क्वेश्चन नंबर फोर है रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम ऑफ द की आइडियाज ऑफ आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. मेक अ लिस्ट. आपको क्या करने हैं कि चैप्टर को रीड करके हमें क्या बनाने हैं, की आइडियाज एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट हमें लिखने हैं. तो द की आइडिया ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर, फर्स्ट वन इज बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स. इसके बेसिस पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कोई भी समाज में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, ना तो कास्ट के बेसिस में, क्रीड के बेसिस में, सेक्स के बेसिस में, रिलीजन के बेसिस में, मेल है फीमेल है, इसके बेसिस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है. सेकेंड है होल्डिंग इलेक्शन एट अ रेगुलर इंटरवल. और सेकेंड हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का की एलिमेंट क्या है, कि एक रेगुलर इंटरवल में इलेक्शन होंगे ही होंगे. जैसे फॉर इंडिया ये क्या है, आफ्टर 5 ईयर. थर्ड है जस्टिस एंड इक्वेलिटी फॉर ऑल. और क्या है, सभी लोगों के लिए जस्टिस न्याय मिलेगा और इक्वेलिटी होगी. द नेक्स्ट वन इज अलाउइंग पीपल द राइट टू वोट. अलाउ करना सभी लोगों को, या जो भी 18 ईयर्स से ऊपर के एज के हैं, सभी लोगों को वोट डालने का राइट मिलेगा. अपॉर्चुनिटीज फॉर इक्वल एजुकेशन टू ऑल. और क्या है, सभी लोगों को इक्वल एजुकेशन दी जाएगी. इसी के बेसिस पे क्या चला है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में हैं वहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी, जो इक्वल एजुकेशन के बेसिस पे ही चला रखा है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की चली हुई है कि 8 तक के जितने भी बच्चे हैं सबको फ्री निःशुल्क शिक्षा मिलती है. तो वो इसी बेसिस पे है कि सभी लोगों को क्या मिलेगी, एजुकेशन के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबको इक्वल मिलनी चाहिए. नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन. एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री ऑफ सेवरल रेसेस, हाउ. मतलब साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक रंग, कई सारे रंग भेद के लोग रहते हैं. इसको डिस्कस करना है, इसके बारे में पॉइंट्स लिखने हैं किस तरीके से. साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री ऑफ सेवरल रेसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. ये सारे रीजन है जिनकी वजह से साउथ अफ्रीका क्या है, एक सेवरल मतलब डिफरेंट रेसेस के जो पीपल हैं दे लिव्ड इन द साउथ अफ्रीका. फर्स्ट वन इज देयर आर ब्लैक रेसेस विच बिलोंग टू द साउथ अफ्रीकन ओरिजिनली. मीन्स यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल रहते थे, दे आर द नेटिव पीपल. वो वहाँ के नेटिव लोग हैं, मतलब वहाँ के वो अपनी लैंड थी उन लोगों की, तो दे बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका ओरिजिनली, ओरिजिनल पीपल थे साउथ अफ्रीका के. सेकेंड थे द वाइट रेसेस, जो वहाँ पे वाइट पीपल थे रहते थे साउथ अफ्रीका में, दे कम फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज. वो कहाँ से साउथ अफ्रीका में पहुंचे थे,
यूरोपियन कंट्रीज से पहुंची थी और वहीं जा करके दे सेटल दियर, वो वहीं सेटल्ड हो गए थे और उन्होंने कुछ टाइम तक उनके ऊपर रूल किया था। जो रेसिज्म का जो है, आपने हमारे अपार्थाइड का जो पढ़ा था, वो सारा उन्होंने वहाँ पे रूल इम्प्लीमेंट किए थे। तो थर्ड वन थे द इंडियन रेसेस कम टू साउथ अफ्रीका। जो इंडियन पीपल थे वो भी साउथ अफ्रीका में रहते थे। दे कम टू साउथ अफ्रीका एज लेबरर। वो साउथ अफ्रीका में कैसे आए थे, एक लेबरर के रूप में, ट्रेडर के रूप में, एंड सेटल देयर, और वहीं जाके सेटल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट आर द वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन वोटिंग। मीन्स वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे की वजह से हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट अदर देन वोटिंग। वोटिंग के अलावा भी ऐसे तरीके होते हैं जिसके जरिए हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वी हैव टू मेंशन दीज प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट क्या है, हमें वोट डालना तो हमारा राइट है, उसके जरिए भी हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सेकेंड क्या है, हम गवर्नमेंट के कामों में इंटरेस्ट लेकर के गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज बाय क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी हमें जरूरत होती है हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अभी जरूरत कब होगी, अगर कोई लॉ गवर्नमेंट ने बना दिया विच वॉज अगेंस्ट अस, जो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है, देन वी विल क्रिटिसाइज इट। तो इस तरीके से हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द थर्ड वन इज बाय होल्डिंग रैलीज, रैलीज निकाल के ऑर्गेनाइजिंग सिग्नेचर कैंपेन, ठीक है, रोड ब्लॉक करना, ये सारी चीजें होती हैं, स्ट्राइक करना, ये सारी चीजें होती हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज अपार्थाइड मीन्स, अपार्थाइड का मतलब क्या है। तो अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के कलर के बेसिस में लोगों को सेपरेट करना, दैट इज नोन एज अपार्थाइड। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीकन पीपल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, इट इज इट जूलू। द क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु वॉज द लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर कौन थे, उनका नाम था नेल्सन मंडेला, जिसके बारे में चैप्टर में हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हेन डिड अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री कब बना। तो इन 1994 में अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। और विच डैम इज यूज्ड बाय कर्नाटका फॉर इरिगेशन। अभी इसी मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में ही आपके मैं बताया था कि जो कर्नाटका में जो कावेरी रिवर है वहां पे कौन सा डैम बना हुआ है, वो बना है कृष्णा सागर डैम। फिर इसके बाद था, मेट्रो डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जो मेट्रो डैम है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, इट वॉज लोकेटेड इन तमिलनाडु। वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तमिलनाडु में। तो ये आपके इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, एक बार इनको रिव्यू करके देख लो। Now we will talk about the periodic test. आपके periodic test है, I think, I hope आप लोगों को शायद syllabus और date उसकी मिल गई होगी। मैंने specially SST की sixth class के SST की यहाँ पे syllabus और date mention की है। अगर आपको नहीं मिला तो you can note down it. तो इसका subject आपका social study है, इसका syllabus है आपका history के दो chapter आएंगे आपके, what, where, how and when, वो chapter number वन, सॉरी हिस्ट्री के वन चैप्टर आएगा आपका, चैप्टर नंबर वन ओनली, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, क्लियर।
ज्योग्राफी का चैप्टर, ज्योग्राफी के चैप्टर टू आएंगे आपके। चैप्टर नंबर वन है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और सेकंड चैप्टर है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और सिविक्स का चैप्टर वन आएगा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। एग्जाम की डेट भी आपको उसमें मेंशन की गई है, 19 जून को आपकी एग्जाम की डेट होगी, और टाइमिंग उसका 9 o'clock से लेकर के 9:30 इन द अर्ली मॉर्निंग है, और ड्यूरेशन उसकी केवल 30 मिनट की है, बिकॉज द क्वेश्चन जो है आपका वो है MCQ टाइप्स क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आपको आप उनको उसी तरीके से पढ़ना, जो भी क्वेश्चन दिए होंगे उसके 3 या 4 आपको उसके आंसर दिए होंगे, यू हैव टू चूज करेक्ट वन आपको क्या है उसमें से एक करेक्ट आंसर को चूज करना है। नाउ वी विल रिवाइज दिस चैप्टर, जो भी आपका सिलेबस आ रहा है पीरियडिक टेस्ट का उसको वन बाय वन रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपका जो उसमें MCQ आपके, अगर हम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दियर क्वेश्चन आंसर, और अगर मैं आप इसकी एक्सरसाइज की बात करती हूँ, बुक एक्सरसाइज की, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपके MCQs नहीं है, तो सारे जो भी MCQs हैं आपके बुक के चैप्टर के बीच में से बना रखे हैं, आ रखे हैं, तो प्लीज़ आप इनको रिवाइज, हम एक बार रिवाइज करेंगे इनको, तो चार के चार चैप्टर वी विल रिवाइज वन बाय वन। तो हिस्ट्री से इसके स्टार्ट करते हैं कि आज हिस्ट्री का चैप्टर रिवाइज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है इसका व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, तो इसको पढ़ते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ दे वोर, किस तरीके के कपड़े वो पहनते थे। द हाउस इन विच दे लिव्ड, किस तरीके के घर में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव ऑफ हंटरर, हम क्या करेंगे हंटरर की लाइव, हंटरर कौन थे, दोज पीपल हु हंट एनिमल, वो लोग जो जानवरों का शिकार करते थे, उनकी लाइव के बारे में जान सकेंगे, जानेंगे। हर्डर, हर्डर कौन थे, जो जानवरों को पालते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स द फार्मर, फार्मर कौन थे, जो एग्रीकल्चर का काम करते थे। रूलर्स, रूलर रूलिंग क्लास जो थी, मर्चेंट व्यापारी जो थे, प्राइस्ट पुजारी, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, इन सब के बारे में हम जानते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, हम ये भी, इसको भी फाइंड आउट करेंगे कि जो बच्चे हैं वो किस तरह कौन से गेम खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, जो कहानियां वो सुनते थे। द प्लेज दे सो, जो नाटक वो देखते थे। एंड द सॉन्ग दे संग, जो गाने वो गाते थे। फिर है वेयर डिड पीपल लिव, ये दिस वन इज इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। फाइंड द नर्मदा ऑन मैप वन पेज टू, पेज टू आपका पीछे बैक में है, यहाँ पे है आपकी नर्मदा रिवर, ये आपको ये है जो ये नर्मदा रिवर की एरिया सी, यहाँ पे क्या था कि पीपल हैव लिव्ड अलोन द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर, मतलब कई साल पहले जो लोग थे उस नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल Who lived here were skilled gatherer. इसमें से कुछ लोग, some of the earliest people who lived here were skilled gatherer. ध्यान, listen carefully. इसमें से कुछ जो लोग यहाँ रहते थे, they were skilled gatherer. उनको क्या कहते थे? Skilled gatherer कहते थे. Skilled gatherer कौन थे? Who are the people? That is people who gather their food, जो अपना food gather करते थे। It means the question, मतलब क्या है यहाँ पे कि the people who are skilled gatherer, तो the skilled gatherer are the people who gather their food, जो अपना food इकट्ठा करते थे। They knew about the vast wealth of the of plants in the surrounding forest. और इनके साथ ये क्या थे, जो skilled gatherer थे, ये अपने आसपास की जितनी भी एरिया थी, जिस भी एरिया में ये रह रहे हैं उसके चारों ओर की एरिया की, अपनी पूरी वास्ट एरिया की, सराउंडिंग की, फॉरेस्ट की, इनको पूरी कंप्लीट नॉलेज थी, वहाँ के प्लांट के बारे में कम्प्लीटली जानते थे। एंड कलेक्ट रूट्स, फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड,
और ये उस एरिया से रूट फ्रूट्स और जितना भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस था उसको ये कलेक्ट करते थे। दे ऑल्सो हंट एनिमल, वो क्या ये क्या करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे। हाँ नाउ फाइंड द सुलेमानियन कीर्थार हिल टू द नॉर्थ वेस्ट। अभी नॉर्थ वेस्ट एरिया है हमारा, ये कीर्थार हिल है, ये सुलेमान हिल है, क्लियर। ये वो एरिया थी, दी सम ऑफ दीज एरियाज एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स। ये वो एरिया थी जहाँ पे मैन और वुमेन ने सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा था। और वो क्रॉप्स भी कौन सी थी, सच एज वीट एंड बार्ले, अबाउट 8100 ईयर एगो। 8100 ईयर एगो लगभग उन्होंने क्या करना सीखा था, वीट को ग्रो करना सीखा था। और पीपल ऑल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल, और लोगों ने जानवरों को पालना भी सीख लिया था। और वो एनिमल कौन से थे, जैसे कि सीप है, गोट है एंड कैटल्स, एंड लिव्ड इन विलेजेस, और ये इन विलेजेस में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स कहाँ की बात करी थी, नॉर्थ ईस्ट की, और विंध्यास की बात कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में। तो ये क्या है, ये वो एरियाज थी, दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। ये वो एरिया थी जहां पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ये कह रहे द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, जो जहाँ पे सबसे पहले राइस को ग्रो किया गया था वो प्लेस कौन सा था, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थन साइड में था वो पोर्शन। फिर है नेक्स्ट है, ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब है जो इंदस रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, इंदस रिवर में आपको उसमें दिखाती हूँ, दिस वन इज द इंदस रिवर, और जितनी भी इसकी सतलुज है रिवर, ये है चेनाब है और झेलम है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, ट्रिब्यूटरीज क्या है, दीज आर द स्मॉलर रिवर, ये वो छोटी रिवर होती हैं दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर, जो किसी एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। अबाउट 4700 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिस्ट ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। इसका मेंशन यहाँ पे क्यों किया गया है आपके इंदस रिवर का, क्योंकि कई साल पहले लगभग 4700 ईयर एगो वहाँ पे क्या हुआ, क्या था कि जो कंट्रीज है, सिटीज हैं, वो इस नदी के किनारे डेवलप हुई थी। लेटर अबाउट 2500 ईयर एगो सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोन द सी कोस्ट। उसके बाद के सालों में जो हमारी गंगा रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उस नदियों के गंगा रिवर के किनारे भी जो बड़ी बड़ी सिटीज डेवलप हुई। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। जो गंगा की इसमें एक ट्रिब्यूटरी का नेम दे रखा है सोन रिवर। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगधा। जो गंगा के साउथ साइड में जो भी एरिया थी उसको क्या कहा जाता था, मगधा कहा जाता था। इट्स रूलर वर्स वेरी पावरफुल, जो वहां के रूलर थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन लोगों ने बहुत, इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, उसके जो रूलर थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने बहुत बड़ा किंगडम सेटअप किया था, स्टैब्लिश किया था। किंगडम वर सेटअप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, और इसके अलावा उन्होंने मगध के अलावा दूसरी जगह, दूसरी कंट्री में दूसरी जगह भी उन्होंने अपना किंगडम सेटअप किया था, स्टैब्लिश किया था। थ्रू आउट
पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, कह रहे जो लोग थे उस पीरियड में पूरे कॉन्टिनेंट में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में प्लेस टू प्लेस घूमते रहते थे. तो द हिल्स एंड द हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम. और उन लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो दे हैव टू क्रॉस द हिल्स, हाई माउंटेन भी उनको क्रॉस करने पड़ते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिमालयन माउंटेन, डेजर्ट, दे हैव टू आल्सो क्रॉस द डेजर्ट उनको क्रॉस करना पड़ता था, रिवर्स क्रॉस करनी पड़ती थी एंड सीज क्रॉस करके जाना पड़ता था, और जिसकी वजह से उनकी जो जर्नी थी इट बिकेम वेरी डेंजरस, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाती थी, बिकॉज एट दैट टाइम देर आर नो फैसिलिटीज, इतनी सुविधाएं नहीं थी, और जिससे उनकी जर्नी जो थी काफ़ी खतरनाक बन जाती थी. बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन इसके इतनी डेंजरस उनके रास्ते में आते थे, इसके बावजूद भी उन लोगों की जो जर्नी थी वो इम्पॉसिबल नहीं बनी थी. सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, इसलिए जो लोग थे अब जगह जगह मूव करते थे. क्यों मूव करते थे? बिकॉज दे वॉन्ट दे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए, लाइवलीहुड कमाने के लिए दे मूव, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट. और इसके अलावा अगर कोई भी एक पर्टिकुलर जगह में वो रह रहे हैं और वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, फ्लड बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, तो सो दे हैव टू मूव इन द अनदर प्लेस, इसलिए उनको जाना पड़ता था. समटाइम मैन मार्च्ड इन आर्मी, और कभी कभी जो मैन थे वो कैसे ग्रुप में, आर्मी में, सेना की टुकड़ी में मार्च करते थे वन प्लेस टू अनदर टू कॉन्करिंग द अदर्स लैंड. क्यों मार्च करते थे? क्योंकि उनको दूसरे की लैंड को कॉन्कर करना पड़ता था, जीतना पड़ता था, उसके ऊपर अटैक करने के लिए दे मूव वन प्लेस टू अनदर. इसके अलावा बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल्ड विथ कारावेंस और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, इसके अलावा जो मर्चेंट थे दे विल ऑल्सो ट्रैवल टू वन प्लेस टू अनदर, और वो कारावेन में ग्रुप में मूव करते थे, शिप में मूव करते थे, और अपने साथ थे कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, अपने साथ वो बहुत बहमूल्य सामान लेकर के चलते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड रिलीजियस टीचर, इसमें ये थे रिलीजियस टीचर भी, दे ऑल्सो वॉक्ड एट दैट टाइम फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो भी जो रिलीजियस टीचर जो थे वो भी जगह जगह, प्लेस टू प्लेस, विलेज टू विलेज मूव करते थे, टाउन टू टाउन मूव करते थे. और क्यों? अगर रास्ते में उनको जो भी लोग दिख रहे हैं, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, रास्ते में जो भी पर्सन उन्हें दिख रहा है, जो भी लोग उन्हें मिलते थे, दे स्टॉप्ड हिम एंड उनको जो उनको रोकते थे, उनको इंस्ट्रक्शन देते थे, एडवाइस देते थे, उनको अच्छी मतलब सलाह देते थे उनको. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर,